तो एमे हम पहले लपी गता नहीं पिंटू बहु पिंटू भाई इधर घूमो तो थोड़ा इधर कट देखिए भाई आपको भी करवाना है चले आइए राकेश भैया का दुकान में। दोस्तों आज तो पूरा नीट एंड क्लीन लग रहा हूँ और कैसा सेव ऑफ करा कर कैसा लग रहा हूँ आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में सेविंग वगैरह कैसा लग रहा हूँ दोस्तों आप लोग को बढ़िया जबरदस्त। तो हम लोग आ गए हैं रक्सौल बॉर्डर और रक्सौल बॉर्डर का आप देख सकते हैं सीन गजब ट्रैफिक है भाई यहाँ 365 दिन आपको ट्रैफिक मिलेगा भाई ब्रदर आप लोग देख सकते हैं वेलकम टू नेपाल तो दोस्तों ऐसा है कि हम लोग ने भंसार कटवा लिया और भंसार कटवा कर हम लोग जा रहे हैं ये देखिए भंसार हम लोग कटवा चुके हैं और ये 2 दिन का भंसार है चला जाए हम लोग आगे निगली तो 500 लगता है भाई लेकिन दलाल के लोग आ गए हैं बीरगंज और बीरगंज का ये नज़ारा है और आगे आगे हमारी ये गाड़ी चल रही है देख सकते हैं और पीछे पीछे हम लोग हैं पूरा जंगली इलाका सावधान वजुन पोरवल क्षेत्र और यहाँ टाटा सुमो ज्यादा चलता है ब्लॉग था हमने आपको बताया था कि नेपाल का बनाने वाले हैं और हम लोग अभी नेपाल में कहाँ है भाई हमलेशगढ़ हथौड़ा में है हम लोग और दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं होटल में रूम का रूम देखने के लिए और रूम चेक इन करने के लिए बहुत सारी आज मस्तियाँ होंगी बहुत सारे लोग भी हैं आज हमारे साथ हमारे गुड्डू भाई भी हैं हमारे ब्लॉग में सडनली ये मतलब हम लोग के साथ बीरगंज बॉर्डर पे मिल गए तो हम लोग का सुबह सुबह तो मॉर्निंग में बात हुई थी और पीछे से भैया आ रहे हैं हमारे ठीक है इसमें चाहिए तो बेड भी लग जाएगा ये क्या रूम है भाई बहुत ही अच्छा रूम है देखिए भाई हमारे देखिए देखिए हेलो भाई को देखिए हमारे हमारे सेवा में आए हुए हैं ये देखिए ये है मुर्गा ये देखला मुर्गा ये यहाँ का तो हेलो दोस्तों हम लोग जहाँ आए हैं वो भाई बहुत अच्छे से ब्रीफ करेंगे कहाँ आए हैं भाई हम लोग अमलेशगंज अमलेशगंज थोड़ा वाले रास्ते में है और ये जो होटल है इस होटल का नाम है जंगल व्यू रिसोर्ट जंगल व्यू रिसोर्ट ठीक है और यहाँ का व्यूज तो आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त देखा होगा एंट्री गेट भी मैंने आपको दिखा दिया रूम का भी दिखा दिया और भाई जब यहाँ आए तो भाई से जरूर मिलिएगा ठीक है फुल सपोर्ट और हमारे चैनल के थ्रू आइएगा एकदम डिस्काउंट देगा भाई ठीक है आइए बेझिझक फुल एंजॉय कीजिए चलिए आइए दिखाते हैं यहाँ का नजारा दोस्तों यहाँ का नज़ारा बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही मज़ा आ रहा है और मतलब क्या बोले भाई ये सब देखिए आप इधर पीछे जो हरियाली है भाई हरियाली देख के मज़ा आ जा रहा है ये हरियाली अपने मतलब नेपाल में ही मिल सकता है और भी जगह मिल सकता है पानी पंप में लगेगा जैसे कि आपका ऋषिकेश हरिद्वार इन सब जगहों पर भी मिलेगा और नेपाल जो भी लोग आना चाहते हैं नेपाल जाइए इंजॉय कीजिए जो ब्लॉग हम लोग बना रहे हैं बहुत दिनों के बाद काफ़ी दिनों के बाद ये ब्लॉग बनाने का मौका मिला है मुझे और पीछे आप देख रहे होंगे दूर दूर तक ये अभी हम लोग जहाँ एट अ टाइम अभी कहाँ जहाँ खड़े हैं हम लोग ये जो जगह है यहाँ से नदी काफ़ी पानी पहाड़ से पानी आता है और ये घर से पूरा भरता है और ये देखिए भाई थोड़ा सा इधर और ये देखिए
भाई हमारा सर्विस लेकर आ गया। चलिए ये आ गया फूड, हम लोगों का रोटी और मीट खाते हैं और थोड़ा टेस्ट करते हैं। दूध की रोटी बोले से बन गया, कहानी खत्म। नमक कहाँ है? जा। हेलो। बहुत ही अच्छा स्वाद है और मजा आ गया खाकर। कौन है? वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अभी मॉर्निंग हो चुका है और मॉर्निंग में टाइम हो रहा है अभी आप लोगों को 5:31। भैया देखिए 5:31, और इस वक्त मतलब यहाँ का जो व्यूज है आप लोग देख सकते हैं पीछे बैक साइड में, क्या व्यूज है भाई, मजा आ रहा है। और हम लोग का ट्रिप था जो आज यहाँ ख़त्म हुआ, और हम लोग अपने इंडिया की तरफ चलेंगे। जब ब्लैक ड्रास्ट है साला, ये ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जहाँ आप लोगों को जो व्यूज़ दिखाए थे हम लोग, और उसके ऑनर ये हैं, और ये थोड़ी बातें आप लोग कुछ बताएंगे, ठीक है। इनका ये रिसॉर्ट है, और रिसॉर्ट पे आप क्या बताना चाहते हैं हमारे? ना, हमारा रिसॉर्ट है अभी 2 साल से अभी रनिंग में है। ये 12 जिला के अमलेखगंज के 22 नंबर वार्ड, 1 नंबर पुल, 1 नंबर ब्रिज बोलता है, 1 नंबर ब्रिज के बगल में लक्ष्मी पम्प पेट्रोल पम्प है, उसी के सटा हुआ है। अभी जंगल के भी हमारा रिसोर्ट का नाम है जंगल व्यू रिसोर्ट, इसीलिए जंगल व्यू रखा है हमने। हमारा होटल रिसोर्ट के पीछे पूरा का पूरा जंगल का व्यूज होता है, उसमें शाम सुबह कभी कब कबा जंगली जानवर भी देखने मिलता है, कब कबा मोर हिरण वगैरह। आपका यहाँ का जो व्यूज है बहुत ही जबरदस्त है, और आप यहाँ आइए और इनके पीछे बैक साइड जंगल साइड में भी आप जाकर वहाँ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। हाँ। और आप हमारे चैनल के थ्रू आते हैं भैया के पास, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। आप आइए एक बार एंजॉय करके देखिए। अगर आप आना चाहते हैं तो फटाफट आइए आप लोग। और ये ज्यादा दूर नहीं है हमको, बीरगंज से कितना? बीरगंज से 30-32 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर है बीरगंज से, और आप लोग आइए और यहाँ का एंजॉय कीजिए, ठीक है। नमस्ते।